वेलकम बैक टू योर चैनल माय डियर स्टूडेंट। 13 अप्रैल के करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले आज का दिन यानी 13 अप्रैल सन 1919 का वह दिन कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता है। और आपको भी पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ जहाँ पे सैकड़ों देश प्रेमियों को बेवजह मौत के घाट उतार दिया गया था, और यही भारत के ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत हो गई। यहीं से ही भारतीयों ने मूड बना लिया कि नहीं, अब इनको हर हालत में यहाँ से भगाना है। ठीक है, और आज 13 अप्रैल है। आज ही के दिन सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और देश के शहीद सभी देश प्रेमियों को भावभीनी श्रद्धांजलि। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में श्रद्धांजलि दे सकते हैं, जय हिंद लिख सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि राजस्थान। देखिए, राजस्थान का मुख्यमंत्री और राजधानी आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में मुख्यमंत्री और राजधानी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में डीजी पाइवोट नामक सेवा की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, गूगल। अब देखिए, गूगल द्वारा भारत में महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक कौशल कार्यक्रम जिसे डीजी पाइवोट के नाम से जाना जाता है, इसका शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी 15 मार्च को। देखिए, इसका उद्देश्य है पूरी दुनिया में उपभोक्ताओं का संरक्षण करना, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित कर सकें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा मुंबई सेंट्रल का नाम परिवर्तित करके क्या रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर की दृष्टि से, और आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल, ये नाम हो जाएगा, चूंकि ये प्रस्ताव पास भी हो चुका है। अब देखिए, ये जगन्नाथ शंकर सेठ कौन है? यह एक शिक्षाविद थे। इन्होंने 1845 में, कब? 1845 में भारत में रेलवे की स्थापना के लिए भारतीय रेलवे एसोसिएशन का गठन किया था इन्होंने। ठीक है, इन्हीं के नाम पर अब मुंबई सेंट्रल का नाम रखा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण के लिए किस नाम से पोर्टल जारी किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भूमि राशि के नाम से भारतीय जो राजमार्ग मंत्रालय है और सड़क परिवहन ने इस पोर्टल को जारी किया है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की गई है। अब देखिए, ये आरोग्य मित्र क्या होता है, पहले जान लेते हैं कि किस राज्य में ये हुआ है। ये हुआ है उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, तो इनकी गवर्नमेंट ने, इन्होंने एक घोषणा किया कि जो भारत के, मतलब सॉरी, उत्तर प्रदेश के जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पे एक आरोग्य मित्र बैठाया जाएगा, यानी कि एक आरोग्य मित्र वहाँ पे होगा जो क्या करेगा, जो आम लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताएगा, और जो सरकार स्वास्थ्य योजना चला रही है आम लोगों के लिए उसके बारे में वो लोगों को बताएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आरोग्य मित्र, स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जो बताता है हॉस्पिटल्स पे, आपके सरकारी हॉस्पिटल्स पे ये होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। डियर स्टूडेंट, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से द सुधीर पांडे के नाम से सर्च करके वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। ऐसी वीडियो के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।